शुभ नाम बताइए अपना। रौनक वर्मा। रौनक जी किस क्लास में है? अभी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेम। अच्छा, फर्स्ट ईयर है तो बड़े सपने होंगे आपके। हाँ। क्या सपना है? गवर्नमेंट जॉब लेनी है। गवर्नमेंट जॉब? हाँ। क्या गवर्नमेंट जॉब में क्या हासिल करेंगे? गवर्नमेंट जॉब में ईडी ऑफिस में आना चाहता हूँ। किस में? ईडी। अच्छा, ईडी जो छापा डाल रही है? हाँ, ईडी या फिर मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब। मेरे को मेन गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन ईडी वाला या इस तरह के उसमें डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, छापा डालेंगे लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? जो मतलब जो खराब काम करते हैं, करप्ट कर रहे हैं, ये जो पटवारी उसमें जो है भ्रष्टाचार किए हैं उनके ऊपर। हाँ, मतलब जो भी गलत काम करते हैं उनके ऊपर। वो तो जो पटवारी में टॉप की है बता रहे हैं, वो तो चली गई है टॉप करके, क्या उसके बाद छापा डालेंगे उसके घर पर? हाँ, तो उन पे चेक करो, अगर निकलता है कुछ तो फिर वो है मुजरिम। अच्छा, फिर उनको पकड़ना चाहिए, जेल होनी चाहिए उन पे। अच्छा। तो अभी जो स्थितियाँ हैं, आप कह रहे हैं ईडी बनना चाहते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है, बगैर पैसा, बगैर संपर्क, बगैर सोर्स के लोग बड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे। एक एग्ज़ाम होती है SSC की एग्ज़ाम, उसमें जाओ आप, एक उसमें मतलब नाम वगैरह, रोल नंबर देना पड़ता है। एग्ज़ाम जो सब, इतने सारे लोग जाते हैं, इतने सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, हर बार नौकरी आ रही है, वैकेंसियां निकल रही है। निकल रही हैं? हाँ, हर बार तो बता रहे हैं, साल में 5 वैकेंसियां निकल रही है। हमको लोग बता रहे हैं उसमें फॉर्म भरने तक में लेट हो जा रहा है, परीक्षा में लेट होता है, सारे एग्जाम, PCS के जितने एग्जाम है सब में। अभी हमको एक सज्जन बता रहे थे बाहर, मेरे को PCS का नहीं पता, मैं SSC के बता रहा हूँ। SSC से गवर्नमेंट जॉब लगती है, साल में 5 एग्जाम होती है और हर एग्जाम से 5,000 वैकेंसी। सेंटर की है ना? हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो ये बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है इसकी। तो आप उसको, आप पर, आपको पूरा भरोसा? हाँ, उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं तो अभी फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं क्राइम ब्रांच। अरे वाह, मतलब CBI और ED अगल बगल बैठे हैं। हाँ, साथ में थे क्राइम ब्रांच की मेरी। तो अभी से प्लानिंग चल रही, क्या कैसे छापा डालना है? मेरा थोड़ा अलग, मैं पुलिस स्टेशन वाले कार्यक्रम में हूँ, मतलब मर्डर वगैरह केसेस वगैरह होते हैं उसके उसको सॉल्व करेंगे, वो जो फॉरेंसिक साइंस जांच करते हैं। हाँ। सब है? वही है फॉरेंसिक साइंस जांच का। यहाँ कोई उसका कॉलेज है अलग से? कॉलेज नहीं है, यहीं पर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पढ़ाई होती है पूरी। अच्छा, साइंस का एक डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस? हाँ, कॉलेज पूरे में होती है पढ़ाई साइंस की। कितने स्टूडेंट हैं उसमें? स्टूडेंट्स करीबन 3, ऐसा क्लासेस का नहीं पता, लेकिन हमारी क्लासेस सेक्शंस में डिवाइड है, तो ऐसे 5 सेक्शन है फॉरेंसिक साइंस के 5 सेक्शन में 100-100 बच्चे हैं एक सेक्शन। अच्छा, उसमें क्या बताया जाता है कि क्राइम स्पॉट पे गए तो क्या चीज़ आपको लेना है, क्या नहीं लेना, कैसे जांच करेंगे? हाँ, पूरी विधि उसके अंदर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से आप जांच करेंगे, उसकी आगे कार्रवाई क्या होगी, किस सेक्शन के अंदर वो कार्रवाई आएगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो उसमें क्या मतलब, यहाँ जो प्रैक्टिस में जो थानेदार हैं, पुलिस स्टेशन है या पूरा डिपार्टमेंट है, एजेंसीज हैं, CBI है और दूसरे, उनके लोग भी आते हैं पढ़ाने और बताने? नहीं, यहाँ पे सर्टिफाइड प्रोफेसर से वो पढ़ाते हैं, करवाते हैं। और कभी आपको भेजा जाता है वहाँ ट्रेनिंग? तो हम फर्स्ट ईयर के, तो अच्छा, हमको अभी भेजा नहीं जाता, फाइनल या MSC फाइनल को भेजा जाता। तो आप देखिए, यहाँ एक ED बैठे हैं, एक CBI के भविष्य रिक्रूट हैं, तो कभी हम लोग यहाँ भी छापा पड़ने आएगा, माना जाए कि दो चेहरे हमारे सामने होंगे।